हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ सोशियोलॉजी। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये जानेंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, और बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का रोल देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट अपना रोल किस तरीके से प्ले करती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज अ फिनोमेना caused by an imbalance between production and accumulation of oxygen reactive species in cell and tissue and the ability of biological system to detoxify these reactive products. Oxidative stress basically एक ऐसा phenomena है जिसके अंदर body के अंदर reactive oxygen species बहुत ज्यादा मिकदार में accumulate हो जाती हैं। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये आयन हो सकते हैं, ये फ्री रेडिकल हो सकते हैं, ये सेल टिश्यूज और मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करते हैं और उनको डैमेज करते हैं, और इस तरीके से ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल फिजियोलॉजी को ये डिस्टर्ब कर देते हैं। हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नॉर्मल मेटाबोलिज्म के दौरान कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं, उन मेटाबोलाइट्स में कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं। अब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी होती हैं, बॉडी के अंदर एक प्रॉपर एक बैलेंस मैकेनिज्म मौजूद है जिसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को बॉडी से डिटॉक्सिफाई किया जाता है। बाज़कात क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को बॉडी से डिटॉक्सिफाई करना, जिसके नतीजे में इनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है और सेल और टिश्यू में ये अकोमुलेट यानी जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब ये सेल और टिश्यू में जमा हो जाते हैं तो फिर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करते हैं और नॉर्मल फिजियोलॉजी को भी डिस्टर्ब करते हैं, और जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है ये इन रिएक्टिव स्पीशीज और रिएक्टिव प्रोडक्ट्स को डिटॉक्सिफाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। सो इस कंडीशन को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है, जिसमें बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होती है जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स सेल और टिश्यू के साथ इंटरेक्ट करती हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं और बॉडी के अंदर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं। एन अप्रोप्रिएट रिडॉक्स बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर सेलुलर एंड ऑर्गेनिज्मिक फंक्शन। ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक रिडॉक्स बैलेंस है जिसमें ऑप्टिमम लेवल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन चल रहे होते हैं। The redox balance in the presence of oxygen is usually disturbed in the oxidized direction. बाज़कात क्या होता है कि ये जो redox balance है ये oxygen की मौजूदगी के अंदर disturb हो जाता है और body के अंदर जो chemical reaction है ये oxidized reaction के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में body में reactive oxygen पैदा होना शुरू हो जाती है। One can state that although oxygen is required for the life of all aerobes, no doubt oxygen is an essential property of life and all the aerobes or aerobic organism require oxygen for their life. और हर organism को body के normal function के लिए जो है oxygen require होती है, but it is also highly toxic, लेकिन ये body के लिए बहुत ज़्यादा highly toxic भी होती है under some circumstances. Consequently, all aerobic organism have developed effective mechanism. तो इसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए हर जिंदा जानवर की बॉडी के अंदर एक इफेक्टिव मैकेनिज्म मौजूद है जिससे वो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कॉम्बैट कर सके, और बाज़कात ये जो कॉम्बैट करने का इसको खत्म करने का जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब भी हो जाता है, जिसके नतीजे में फिर ये ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाना शुरू कर देती है, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है। A hallmark oxidation stress is that the concentration of reactive oxygen species increase. Oxidative stress फिर क्या है? जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, एक ऐसी situation है जिसमें body के अंदर जो reactive oxygen species हैं, जो ROS हैं, reactive oxygen species, उसकी concentration यानी मकदार body में increase हो जाती है। As their name indicates, जैसे कि इनके नाम से भी show हो रहा है, these molecules readily react with available biomolecule, नाम से जाहिर है, reactive oxygen species, they are highly reactive. ये बहुत ज़्यादा reactive होने की वजह से इसके इर्द-गिर्द जो molecule होते हैं, उनके साथ ये rapidly जो है, वो उनके ऊपर attack करते हैं, उनके साथ react करते हैं, और इस तरीके से उनका जो normal function है, जो normal उसकी physiology है, इसको ये disturb कर देते हैं।
एन इंक्रीज में आइदर बी कॉज बाई इंक्रीज रिएक्टिव ऑक्सीजन फॉर्मेशन और बाई डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ देयर रिमूवल। अब ये होता कैसे है, यहाँ तो बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी जो है इनके बनने का प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, या बॉडी की जो एफिशिएंसी है ये डिक्रीज हो जाती है। बॉडी की एफिशिएंसी डिक्रीज होने की वजह से इनका बॉडी से जो रिमूवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ आइदर डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्कैवेंजर। और इसकी एक पॉसिबल रीजन ये भी है कि सेल के अंदर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज स्कैवेंजर्स हैं, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को खत्म करते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको स्टेबलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो रिडॉक्स बफर्स हैं, जैसे कि ग्लूटाथायोनीन एक अहम एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के साथ रिएक्ट करता है और उनको स्टेबलाइज करता है। सिमिलरली एस्कॉर्बेट जो है ये भी एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर बॉडी में काम करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन की जो स्पीशी की प्रोडक्शन है इसको ये खत्म करता है या डिटॉक्सिफाई करता है। डिक्रीज एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम एक्टिविटी, और ये पॉसिबल इस लिहाज से भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी इंक्रीज हो सकते हैं अगर बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट जो एंजाइम की एक्टिविटी है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को खत्म कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी अगर कम हो जाए तो फिर भी ये बॉडी में अकॉमुलेट हो सकते हैं, तो बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का शिकार हो सकती है। नॉटअबली ऑल्दो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी यूजली कंसिडर्ड एज द मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दे आर इंक्रीजिंगली शोन टू टेक पार्ट इन नॉर्मल सेलुलर सिग्नलिंग। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं, इनका एक नॉर्मल प्रोसेस भी है कि ये कुछ हद तक जब इनकी कंसंट्रेशन कम होती है तो ये सेल के अंदर एक सिग्नलिंग पाथवे देते हैं, ये सेल को बताते हैं कि सेल ने एपोप्टोसिस की तरफ जाना है, नेक्रोसिस की तरफ जाना है, या सेल ने खुद को प्रोलिफेट करना है, सेल ने जो है वो माइटोसिस की तरफ जाना है, सेल ने डेवलप होना है। तो ये नॉर्मल सिग्नलिंग में भी इनका इनका रोल है, लेकिन जब इनकी इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की अमाउंट जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो फिर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बॉडी को लेके जाते हैं। This increase the possibility of reactive oxygen species to be toxically imported. तो इस लिहाज से ये टॉक्सिकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट भी है कि बॉडी के अंदर नॉर्मल मिकदार में इनकी जो अमाउंट है वो बेनिफिशियल है और सेल सिग्नलिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। इवन एट कंसंट्रेशन दैट डू नॉट कॉज मेजरेबल स्ट्रक्चरल अल्टरेशन सेलुलर सिग्नलिंग में भी डिस्टर्ब। और बाज़गत क्या होता है कि जब एक एक प्रॉपर इनकी जो अमाउंट है वो मेजरेबल अमाउंट से ज्यादा हो जाती है तो फिर ये नॉर्मल सिग्नलिंग पाथवे को भी सेल के डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, तो ऑल्दो ओवरऑल ये बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसको डिस्टर्ब करके बॉडी को एक स्ट्रेस और बॉडी को एक टॉक्सिकोलॉजी की कंडीशन के अंदर ले जाएगा, टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर क्रिएट कर देगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ मशहूर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल काबिले जिक्र है इसके अंदर सुपर ऑक्साइड का रेडिकल। द कंपाउंड इज प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये वाला जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है जो सुपर ऑक्साइड है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पैदा होती है। कब पैदा होती है? ड्यूरिंग द ऑक्सीजन टेंशन, जब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन टेंशन होता है, एंड 1-3% ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऑक्सीजन की अमाउंट रिड्यूस हो जाती है और इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है सुपर ऑक्साइड के अंदर, और इसका जो हाफ लाइफ है मॉलिक्यूल का वो माइक्रो सेकंड होता है, और ये इसकी सिलेक्टिव इसकी जो रिएक्टिविटी है उसकी वजह से बहुत कम इसका हाफ लाइफ है। इट इज सबस्ट्रेट फॉर सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज। अब ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनी है सुपर ऑक्साइड, इसको एक एंजाइम सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज है वो इसके साथ इंटरेक्ट करता है, इसके लिए ये सबस्ट्रेट है। सेकंड है हाइड्रोपरऑक्सी रेडिकल फाउंड इन द डाइम्यूटेशन ऑफ सुपर ऑक्साइड। जब ये सुपर ऑक्साइड इसकी इसको जो एंजाइम है जो सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज है जब इसके साथ ये इंटरेक्ट करता है तो इसको फिर ये कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोपरऑक्साइल रेडिकल के अंदर, यानी जब सुपर ऑक्साइड का जो है वो इसको आगे मेटाबोलाइज किया जाता है तो फिर इसके नतीजे में हाइड्रोपरऑक्साइल रेडिकल बनता है। द रिएक्शन इज ऑफन कंटिन्यू टू फॉर्म द हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर ये फर्दर आगे जो है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और बाद का जो है वो इससे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी जो बनता है। हाइड्रोक्सिल रेडिकल, द रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव बट इट इज अ शॉर्ट लाइफ अबाउट
1 नैनोसेकंड। जो हाइड्रोक्सल रेडिकल है इसका लाइफ स्पेन बहुत कम है, हाफ लाइफ इसका कम है, ऑलमोस्ट 1 नैनोसेकंड है इसका हाफ लाइफ पीरियड है, और इसकी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्ट होती है। इतने टाइम में सिर्फ ये कुछ नैनोमीटर तक जो है वो जा पाता है, और बाद का स्पेशल हेटरोजेनिसिटी की वजह से सेल्स के अंदर जो है वो इसको दोबारा से भी रीजनरेट कर लिया जाता है। दिस कंपाउंड में टेक पार्ट इन सेलुलर सिग्नलिंग, और ये जो कंपाउंड है, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है हाइड्रोक्सल रेडिकल बात कर, ये सेल सिग्नलिंग के अंदर भी अपना रोल प्ले करता है। इट इज फॉर्म इन द फेंटन हार्बर, जो प्रोसेस है इसके अंदर भी ये बनता है, जहां पे जो है इन्वॉल्व होता है आयरन और कॉपर के आयन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर ऑक्सिल रेडिकल, हाफ लाइफ इसका मिली सेकंड है, और ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन जो है वो करवाता है, और बाद का लिपिड को डैमेज भी कर देता है। अल्काइल रेडिकल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड पर ऑक्सीडेशन, ये भी लिपिड पर ऑक्सीडेशन करवाता है। कार्बोनेट है, कार्बोनेट रेडिकल फॉर्मड व्हेन हाइड्रोक्सल रेडिकल रिएक्टिव विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन, इट इज अ पोटेंट ऑक्सीडेंट। तो ये बहुत ही पोटेंट पोटेंशियल ऑक्सीडेंट है, और इसका भी डैमेजिंग इफेक्ट है वो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड काज सेल सिनेसिस, लें जी ये सेल एजिंग की वजह बनता है, सेल डेथ की वजह बनता है। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है हाइड्रोजन परऑक्साइड सेल को एपोप्टोसिस में ले जाता है, जब स्पेशली 10 माइक्रोमिलीमीटर से इसकी मकदार जो है वो कम होती है, और जब 100 माइक्रोमोल से मकदार इसकी बढ़ जाती है तो फिर ये सेल को नेक्रोसिस के अंदर ले जाता है। अल्टीमेटली सेल की एक्सीडेंटल डेथ की ये वजह बनता है। तो अमाउंट इसके डिटरमाइन करती है, कम अमाउंट है तो सेल को एपोप्टोसिस में ले जाएगा, और अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर सडनली ये सेल को सेल डेथ की तरफ ले जाएगा, और इसके अंदर नेक्रोटिक रिएक्शन जो है वो हो जाएगा। एट लो कंसेंट्रेशन द मॉलिक्यूल मेन इन्वॉल्व इन सेलुलर सिग्नलिंग, बहुत कम मिकदार में ये सेल के अंदर सिग्नलिंग करवाता है। किस तरीके की सिग्नलिंग करवाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रमोट सेल प्रोलिफिकेशन, ये सेल को प्रमोट करवाता है, इसकी ग्रोथ करवाता है जब इसकी कम मिकदार होती है। जैसे कि पीछे भी हम बात कर चुके हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी अगर कम मिकदार के अंदर हो तो ये इनकी टॉक्सिकोलॉजी बेनिफिशियल है सेल के लिए, सेल के अंदर एक सिग्नलिंग पाथवे को इनिशिएट करता है। लेकिन जैसे इनकी अमाउंट ज्यादा होती है तो फिर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बॉडी को ले जाता है, और बॉडी को फिर डैमेज करना शुरू कर देता है। सीवर एंजाइम SOD, पीछे भी हम SOD की बात कर चुके हैं कि सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज। तो SOD जो सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज है, इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एज सच द मॉलिक्यूल विच क्वाइट स्टेबल, वेरी मेम्ब्रेन परमिनेंट, इट इज ऑनली वीकली रिएक्टिव, बट इट्स रिएक्शन विद आयरन प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव हाइड्रोक्सल रेडिकल। तो इसके साथ फिर जो है ये रिएक्टिव हाइड्रोक्सल रेडिकल जो है वो जनरेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है पर ऑक्सीनाइट्रेट, अटैक स्पेशली टायरोसिन, लेंज प्रोटीन को डैमेज कर देता है, जो प्रोटीन के अंदर टायरोसिन अमीनो एसिड है इसके ऊपर अटैक करता है। इनएक्टिव द सीवरल एंजाइम, और बहुत सारे जो फिर एंजाइम है ये उनको इनएक्टिवेट कर देता है, इंक्लूडिंग SOD, जो SOD है इसको भी इनएक्टिवेट करने की फिर ये वजह बनता है। तो इस लिहाज से बहुत खतरनाक है ये। पर ऑक्सीनाइट्रस एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड नाइट्रेट इन एक्वे सोल्यूशन वेयर डिसोसिएट टू पर ऑक्सीनाइट्रेट, तो सोल्यूशन के अंदर ये पर ऑक्सीनाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑक्सीडेंट एजेंट है। नाइट्रो सुपर पर ऑक्सी कार्बोमेट, दिस कंपाउंड लेस रिएक्टिव एज पर ऑक्सीनाइट्रेट, मोस्ट ऑफ विच कन्वर्टेड टू नाइट्रो सुपर ऑक्सी कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के अंदर ज्यादातर नाइट्रो पर ऑक्सी कार्बोमेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पर ऑक्सीनाइट्रेट, और कोई इतना ज्यादा ये रिएक्टिव कंपाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है जो बॉडी के अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जनरेट होती है, और अमाउंट जैसी बॉडी में इनकी ज्यादा होती है तो फिर बॉडी के अंदर ये एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करते हैं, टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, और बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि व्हाट इज द सोल्यूशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, नॉर्मल कंडीशन में कौन सी चीज इसको बैलेंस करती है। और हमारी डेली लाइफ में बड़ा हमें ये सुनने में आता है कि एंटीऑक्सीडेंट, हम अक्सर एड के अंदर भी सुनते रहते हैं कि इनरिच एंटीऑक्सीडेंट। तो आज हम लिटरली देखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है। नाम से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट कैन बी डिफाइन एज एनी सब्सटेंस दैट सिग्निफिकेंटली डिले और प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ अ सब्सट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। नाम से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट ही ऑक्सीडेशन की ऑपोजिट काम करती है, सिग्निफिकेंटली ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है किसी भी सब्सट्रेट का, ये उसको डिले कर देती है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है, और काफी हद तक ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है इनकी प्रोडक्शन को ये ब्लॉक करते हैं, और इस तरीके से ये बॉडी के डिफेंडर हैं, ये बॉडी को डिफेंड करते हैं
डेट इज वाई इनको बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल बॉडी के लिए कंसिडर किया जाता है और बहुत ज्यादा इनको हेल्दी माना जाता है। हमारी डाइट के अंदर भी जो है वो बड़े मकदार में एंटीऑक्सीडेंट जो है वो पाए जाते हैं। Every cell that utilizes enzyme and oxygen to perform function is exposed to oxygen free radical reaction. अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में कुछ फ्री रेडिकल बनते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, जैसे कि पीछे हम बात भी कर चुके हैं। डेट पोटेंशियल कॉज सीरियस डैमेज टू द सेल और ये सेल को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट और मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल है प्रेजेंट इन द सेल जो सेल में मौजूद होते हैं, प्रिवेंट रोकते हैं दीज रिएक्शन। इन रिएक्शन को कैसे रोकते हैं? बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल। ये सिंपली क्या करते हैं? फ्री रेडिकल को जाके अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। फ्री रेडिकल को कैसे स्टेबलाइज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट का काम यह है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी यानी फ्री रेडिकल के बनने का मूल को स्लो डाउन करना, उनको रोकना। तो जैसे ही बॉडी में किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान फ्री रेडिकल बनेगा, एंटीऑक्सीडेंट उसके पास जाएगा और उसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और उसको ये स्टेबलाइज कर देगा विदाउट डिस्टेबलाइजिंग देमसेल्फ। खुद को डिस्टेबल किए बगैर ये अगले आयन, ये अगले रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को उस्ताने के साथ क्या कर देते हैं? स्टेबलाइज कर देते हैं। देन वो एक बैलेंस क्रिएट कर देंगे बॉडी के अंदर और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को ब्लॉक कर देंगे, उनके प्रोडक्शन को बॉडी में स्लो डाउन कर देंगे। सो एन इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीडेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट इज अंडरलाइंग बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्ट्रेस। तो इसके अंदर किसी भी किस्म का इम्बैलेंस आने की वजह से फिर जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बनती हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनती हैं, तो बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर चली जाती हैं। द एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस दस, तो फिर इसी लिहाज से फिर एंटीऑक्सीडेंट हमें डिफेंस करते हैं। इनका मैकेनिज्म फंक्शन क्या है? एंजाइम हो सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में, दैट डायरेक्टली रिमूव फ्री रेडिकल। डायरेक्टली एंजाइम के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, ये वाले एंजाइम जो एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं और फ्री रेडिकल को जो है ये खत्म कर देते हैं बॉडी से। मॉलिक्यूल हो सकते हैं डेट डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो फ्री रेडिकल के साथ जाके इंटरेक्ट करेंगे और उनकी प्रोडक्शन को रोक देंगे। मॉलिक्यूल हो सकते हैं डेट प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज टू बायो मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं जो बायो मॉलिक्यूल के साथ जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको ये रोक सकते हैं ताकि मॉलिक्यूल मजीद डैमेज ना हो, जैसे कि हिस्टोन प्रोटेक्टिंग डीएनए और कैप्रियंस हैं और हीट शॉक प्रोटीन है। ये मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल हैं जो इन एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर जो है वो काम करती हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को मालिक्यूल को डैमेज करने से रोक देते हैं और इस तरीके से इन प्रोटीन को और मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मालिक्यूल को ये डिफेंड करते हैं। स्मॉल मालिक्यूल डेट इधर क्विंच प्रो ऑक्सीडेंट। स्मॉल मालिक्यूल हो सकते हैं जो कि प्रो ऑक्सीडेंट को खत्म करेंगे। प्रिफरेंशली ऑक्सीडाइज बाय देम टू लीव मोर कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल इंटैक्ट। तो ये रिडॉक्स बफर होते हैं जो इनको रिडॉक्स रिएक्शन की सूरत में जो है वो इनको स्टेबलाइज करते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ये हो सकते हैं। तो ओवरऑल इनके काम करने का फिर मैकेनिज्म क्या, अगर हम देखें कि ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये एंजाइम हो सकते हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो किसी ना किसी तरीके से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को ब्लॉक करते हैं, इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और बायो मॉलिक्यूल को डैमेज होने से रोकते हैं। तो इनके दरमियान एक प्रॉपर बैलेंस को ये जनरेट करके रखते हैं। स्मॉल रिडॉक्स सेंसिटिव मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल की एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर सल्फाइड्रल SH ग्रुप पाया जाता है कुछ प्रोटीन के अंदर। आर ऑक्सीडाइज्ड टू इंट्रा और इंटर मॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड ब्रिज। तो ये कन्वर्ट होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड ब्रिजेस के अंदर और मुख्तलिफ तरीके से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी को ये ब्लॉक करने की एबिलिटी रखते हैं। इनकी दो टाइप है, जो नॉन एंजाइमेटिक है यानी एंजाइम नहीं है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो क्या करते हैं कि जो रिडॉक्स सेंसिटिव मॉलिक्यूल है इनको ये डैमेज होने से रोकते हैं और रिएक्टिव स्पीशी और ऑक्सीजन स्पीशी को ब्लॉक करते हैं। एंडोजीनियस होते हैं, सेल के अंदर भी बनते हैं और फूड ड्राइव्ड भी होते हैं। ये बहुत सारे ऐसे नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल हैं जो फूड ड्राइव्ड होते हैं, हम डाइट के अंदर उनको लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाके एज ए एंटीऑक्सीडेंट की काम करते हैं। इनमें से कंपाउंडेड ग्लूटाथायोनीन है, एक अमाइनो एसिड है जो हम बड़ी मकदार में ग्रीन वेजिटेबल्स और मुख्तलिफ किस्म के जो फूड सोर्सेज हैं उनसे इनको ड्राइव करते हैं। सो ये मिली मोल कंसंट्रेशन के अंदर जो है वो ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये जो है वो पाया जाता है और रिडॉक्स स्टेट के अंदर जो है उसको इंडिकेट किया जाता है बॉडी के अंदर। तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो ये सेल के अंदर एक रिडॉक्स स्टेट जो है वो शो करता है और एक बैलेंस रखता है रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड केमिकल रिएक्शन के दरमियान, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के दरमियान ये एक बैलेंस का काम करता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी के प्रोडक्शन को रोकता है।
The total glutathione content does not give information on redox state in addition being important in redox regulation. ना सिर्फ ये redox regulation में important है, यानी ना सिर्फ ये reactive oxygen species को block कर ला, बल्कि toxicology के लिहाज से इसका एक important role है. Glutathione involved in conjugation of xenobiotics, जो मुख्तलिफ किस्म के toxicant compounds जो synthetically बाहर किसी भी source से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं उनको ज़ीनोबायोटिक्स कहते हैं. जो ज़ीनोबायोटिक्स हैं ये जो टॉक्सिकेंट्स हैं ये जो खतरनाक केमिकल कंपाउंड है ग्लूटाथियोनिन इनके साथ भी कंजुगेट करता है, इनको पेयर अप करता है अपने साथ और इनको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए अपना रोल प्ले करता है. यानी ड्यूल रोल है ग्लूटाथियोनिन, एक तो जो बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी है ये इसको भी खत्म कर रहा है और इसके साथ साथ ये बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी एट अ टाइम कर रहा है. जो मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिक ज़ीनोबायोटिक्स हैं उनको बॉडी से इरेडिकेट करने का काम भी करता है. सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड एंटीऑक्सीडेंट. होपफुल दैट लेक्चर के अंदर आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मैकेनिज्म, इसके जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बनने का अमल क्लियर हो गया हो और एंटीऑक्सीडेंट किस तरीके से काम करती है आपको समझ आ गई हो. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.